वेलकम एवरीवन आफ्टर सो लॉन्ग। सो फाइनली वो टाइम आ गया, इसका काफ़ी टाइम से वेट था। तो हम अब जा रहे हैं लेह। तो सिंस मैंने ट्राई किया कि कोई मुझे मिल जाए, तो कोई मुझे मिला नहीं साथ में, तो आई एम गोइंग सोलो। सो मैंने कुछ सामान यहाँ पे लगाया हुआ है जो मैं पैक करके ले जाने वाला हूँ। तो मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ ताकि हो सकता है आप लोग पैक कर रहे हो तो कोई चीज़ ऐसी है जो ज़रूरी है लेकिन आप लोग मिस कर दें। तो आई होप ये आपको हेल्प करेगा, कोई चीज़ अगर गलती से मिस हो गई है तो उसको आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है मेरा पूरा सेटअप। मोस्टली इसमें मैंने कपड़े भी यहाँ पर रखे हुए हैं। वन बाय वन स्टार्ट करते हैं, मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या क्या ले जा रहा हूँ। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दीज आर स्पेयर ट्यूब्स बाइक के लिए। मेरे पास है हिमालयन बाइक, तो उसकी ट्यूब उस एल्टीट्यूड पर मिलना मुश्किल है, नामुमकिन है, इसलिए मैं अपने साथ कैरी कर रहा हूँ ताकि अगर पंचर भी हो, ट्यूब चेंज करनी पड़े, तो मेरे पास स्पेयर ट्यूब हो। दीज आर जेरिकेंस, ये मैंने रिसेंटली परचेज़ की है, बोथ होल्ड 5 5 लीटर्स। तो ये मुझे क्लैंप के साथ पड़ी अराउंड 5K की, 5000 की। नेक्स्ट है ये मेरे, ये है टायर रिपेयर मोटुल का, जो मैंने अभी मुझे पता लगा इस टाइप का कुछ आता है, क्योंकि मेरी ट्यूब वाली बाइक है तो हो सकता है ज़रूरत पड़ जाए। तो इसके बाद अगर आपकी बाइक में पंचर होता है तो आप इसको लगा के आराम से 100 किलोमीटर जा सकते हैं और उसके बाद अपना आप रिपेयर करा सकते हैं। ये है मेरे बंजी कॉर्ड्स, टायर इन्फ्लेटर, देन माई हेलमेट, इसमें मैंने ये लिया हुआ है, ये मैंने रेंट किया है क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं यूज़ कर रहा था और सोलो जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा पहले रेंट करके देखते हैं एक्सपीरियंस कैसा है इसका। देन माई डिस्क लॉक, टैंक बैग जो गार्डियन गेट्स का मैंने रिसेंटली परचेस किया है, गॉगल्स, और नेक्स्ट आते हैं ये स्लीपर्स विद स्लीपर बैग, पेपर स्प्रे सिंस आई एम गोइंग सोलो तो फॉर द सेफ साइड, देन डिस्पोजेबल रेन कवर्स फॉर मी, एन ऑक्सीजन टैंक जो मस्ट है, मस्ट आपको लेके जाना चाहिए। मैं लेके जा रहा हूँ दो ऑक्सीजन टैंक प्लस उसके साथ मास्क है, देन माई ड्रोन, स्मॉल डायरी, क्योंकि मैं सोलो जा रहा हूँ तो इतना मेरे पास काफ़ी टाइम होगा अपने लिए, तो मैं इसमें पेन डाउन कर सकता हूँ जो जो आज हुआ, जो मेरे एक्सपीरियंस है, क्योंकि अकेले में आप भूल जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ आपको याद रहता है मेमरीज। देन माई स्पेयर फ़ोन जिसमें मैंने BSNL का सिम लिया है अभी, वो मैंने इसमें डाला है पोस्ट पेड, क्योंकि वहाँ पर प्री पेड कुछ चलता नहीं है। एयरटेल और जियो ऑलरेडी मेरे पास है, तो आई होप तीनों मिला के मेरा काम हो जाएगा। एंड GoPro की सेल्फी स्टिक, और ये मैं GoPro का सामान है, मेरे पास GoPro 7 है तो उसकी ओरिजिनल बैटरी अब आती नहीं है, तो आई हैव टू परचेज Digitech 1, तो मैं 5 बैटरीज लेके जा रहा हूँ। ये अटैचमेंट है, पॉकेट नाइफ, देन माय मेडिकल किट जिसमें मैंने बेसिक जो आपकी मेडिसिन होती है, डायमॉक्स वगैरह, हेडेक, एंटासिड वगैरह, वो मैं कैरी कर रहा हूँ, फीवर वगैरह। बाकी आपकी अगर कोई स्पेसिफिक मेडिकेशन है आप ज़रूर लेके जाइए, क्योंकि वहाँ पे आपको मिलना बहुत मुश्किल है। देन मेरी बाइक की किट मेडिकल वाली जो मैं ऊपर ही रखता हूँ, अब मैं जाऊँगा तो उसको अपनी सीट के नीचे रखूँगा। देन आई हैव माई ब्लैक मेन ग्लव्स, ऑरेंज वन द स्पेयर वन, राइडिंग पैंट। अब आते हैं मेरा लगेज, सैडल बैग्स विद कवर्स। सो वैसे तो मेरा सैडल बैग रेन प्रूफ है अपने आप ही, लेकिन फिर भी मैं कवर लगा रखता हूँ जिससे ये गंदे भी नहीं होते हैं और एडिशनल प्रोटेक्शन मिलती है रेन से। ये मैं कुछ अपना खाने का आइटम ले जा रहा हूँ जिसके साथ, ये डिस्पोजेबल है ताकि कभी कुछ नहीं मिले तो मैं यूज़ कर सकता हूँ। कोल्ड कॉफ़ी, प्रोटीन बार्स, ये मैंने एक परचेस किया है, ये है इलेक्ट्रिक कैटल, देखने में नहीं लग रही होगी लेकिन ये फोल्डेबल इलेक्ट्रिक कैटल है, तो ट्रैवलिंग के लिए काफ़ी अच्छा है, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। आपको लगता है कि क्योंकि वहाँ पर कई जगह होता है आप ऐसे होटल रूम में रुकते हैं जहाँ पर आपको कैटल वगैरह नहीं मिलेगी, तो आपको गर्म पानी चाहिए उस एल्टीट्यूड पर तो आपके काम आएगी। देन दिस इज़ माई GoPro अटैचमेंट्स इन दिस बैग, मैं दो पावर बैंक लेके जा रहा हूँ 20,000 mAh ईच, ताकि मेरा काम हो जाए अगर पावर नहीं मिल रही है मुझे एक दो रात भी तो। और ये मैंने एक रेन एडिशनल रेन कवर मंगाए हैं फॉर माई बैग्स, डस्टिंग क्लोथ्स, ये एक टॉवल है डिकैथलॉन से, लार्ज साइज़ की है, माइक्रोफाइबर, तो काफ़ी स्मॉल साइज़ में पैक हो जाती है तो कैरी करने में ईजी रहती है। प्लस एक हैंड टॉवल है, फ़ोन, सेल्फी स्टिक, और ये है मेरे क्लोथ्स। सो मैं अराउंड 6 to 7 टी शर्ट ले जा रहा हूँ, प्लस 2 वार्मर पेयर्स, 1 लोअर, 1 शॉर्ट्स, 1 जीन्स एंड 1 जैकेट। मेरा एक्सपीरियंस था कि जाते हैं क्लोथ्स इतने लेके जाते हैं तो जगह बहुत लेता है लेकिन वो काम नहीं आते, क्योंकि आप पूरे दिन अपने राइडिंग गियर्स में रहेंगे, उसके लिए आई थिंक ये जो कपड़े हैं ये इनफ है। सो चलिए मिलते हैं आपको, आपसे बाइक पर।